नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। रहटी सीहोर जिले की अधिकांश तहसील कोरोना की चपेट में आ चुकी है, पर रहटी तहसील में अभी तक कोई भी मरीज नहीं मिला। इसी के तारतम्य में सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना सावधानी को लेकर आज रहटी नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सरपंचों एवं पत्रकारों की एक बैठक का आयोजन रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी तक क्षेत्र के लगभग 25 ग्राम का 36,000 लोगों का परीक्षण किया, जिनमें कई लोगों के सैंपल परीक्षण भी करवाए गए, लेकिन रहटी तहसील में अभी तक कोरोना की दस्तक नहीं हुई है। यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उन्होंने कहा कि लोग मास्क लगाकर निकलें, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, धार्मिक स्थलों पर लोग मास्क लगाकर पहुंचे, एवं उन्होंने क्षेत्र के सरपंचों को कहा कि आप लोग जनता में घर घर जाकर जागरूकता लाएं, एवं जो लोग बगैर मास्क के निकल रहे हैं और कोई आगंतुक बिना सोचे समझे अपने यहाँ न आने दें, इससे कौन महामारी से बचा जा सकता है। इस पर कुछ लोगों ने यह सुझाव भी दिया कि रहटी नगर में जो पूर्व में सैनिटाइजिंग किया गया था, उसे फिर से किया जाए। तहसीलदार आरएन बागरी एवं प्रशासन नगर पंचायत रहटी, सीएमओ प्रभारी शक्ति सिंह तोमर, टीआई अरविंद कुमरे, सरपंच प्रेम नारायण मीणा, अवध नारायण यादव, विपत सिंह, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता चौहान आदि ने अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर तहसीलदार महोदय ने बताया कि हम गांव-गांव में जाकर लोगों से सघन संपर्क कर मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। सभी सरपंच जनप्रतिनिधियों का इसमें सहयोग बहुत आवश्यक है। इसके लिए पूरा प्रशासन जागरूकता से जुटा हुआ है। खबर समय जगत के लिए रहटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।